वेलकम फ्रेंड्स, ओडिया जिके उरु चैनल ले आज आम आलोचना करिया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम रो पार्ट 5 भिडियो। एथिरे आम आउ किछि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आलोचना करिया जेगुडी को रेलवे एसएससी समस्त प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। ताल चलन चरम करिया। फर्स्ट क्वेश्चन, टीथ इज मेड इन व्हिच एलिमेंट? दांतटा केउ एलिमेंट रे तयार होइता? ठीक आंसर ऑप्शन नंबर ए, डेंटाइन नामक पदार्थ द्वारा दांतटा तयार होइता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्विच इज नोन आज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी? आम शरीर सबुठ हार्डेस्ट पार्ट अटे। ठीक आंसर ऑप्शन नंबर बी, एनामेलटा हूँ आम शरीर सबुठ हार्डेस्ट पार्ट। ताल एनामेलटा कौन था ना दात दातर जो अंशा चिकचिक कै अपन जानते ऊपर अंश को दिशे से चिकचिक कथा ऊपर अंश को एनामेल कहा जाए। भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ परीक्षार बहुत थर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ इज नॉट एडेड टू मिल्क टीथ? एम के दातटी मिल्क उठि नए बा आडेड होना था। ठीक आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोलार। अपन जानते शिशु मान जो दातटा उठी थाए छोटे कौन मिल्क टीथ कहते हैं। पूर्व भिडियो आलोचना करते हैं मोलार टी मोलाटा के ना 10-12 वर्ष होगा पर उठी थाए तेणु यहाँ मिल्क टीथ रे जा नए। इनसीजर कैनिन प्रीमोलार तीनो जाक मिल्क टीथ अटंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्विच एनिमल आर मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ? क्यों एनिमल सब अधिक संख्यक दांत देखा जाए? ठीक आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द हॉर्स एवं पिग उभयों पाखे के 44 दांत थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्विच टीथ अल्सो कॉल्ड चिक टीथ? एम के दांत को चिक टीथ कह जाए? ठीक आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ दिस प्रीमोलार एवं मोलार ए दुटा दांतर चिक टीथ मध्य कहा जाए। भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मन रखिए प्रीमोलार एंड मोलार टीथ को चिक टीथ कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्टोमाक? एम स्टोमाक संबंधित क्योंकि सठिक आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तीनो जाक उक्ति सत्य अटे। ताले कोना फर्स्ट स्टोमाकटा देखा कमी ना जे शेप रहा कोना फूड एटार 4-5 घंटा स्टोर बा संग्रहित हो रही था स्टोमाक रे। एटा डाइजेस्टिव प्रोसेस चलता है 4-5 घंटा। नेक्स्ट, मोलुस्का प्रेजेंट इन स्टोमाक? स्टोमाक रे मोलुस्का नामक गोटे द्रव्य थाए कौन ना स्टोमाक्रे अवस्थित मोलुस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्विच इज ए गैस्ट्रिक जूस फाउंड इन स्टोमाक? आम स्टोमाक पाकस्थल मध्य क्यों गैस्ट्रिक जूसटा मिले? ठीक आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन नामक गोटे कना गैस्ट्रिक जूस आम स्टोमाक मिली थाए। आउ एंजाइम स्टोमाक मिली थाए मात्र। ठीक आंसर पेप्सिन नामक गैस्ट्रिक जूस आम स्टोमाक प्रस्तुत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जठर ग्लांड? जठर ग्रंथि संबंध में सत्य अटे। ठीक आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तीनोटी कहना इट इज स्मॉलेस्ट इन साइज जठर ग्रंथिटा कहना छोट छोट एम पूरा छोट छोट अच्छा स्टोमाक था प्रिपेयर्स गैस्ट्रिक जूस आम जो गैस्ट्रिक जूस था यहाँ कहना जठर ग्रंथि प्रस्तुत करना। इट इज इन मोस्का मोस्का मध्य था कौना जठर ग्रंथि गुड़िक मोस्का था जूस मोस्काटा कहना स्टोमाक था तेणु जठर ग्रंथा स्टोमाक था फास्ट कौन था स्टोमाक स्टोमाक था कहना मोस्का सॉरी मुकोसा मुकोसा स्टोमाक फास्ट स्टोमाक स्टोमाक कौन था मुकोसा मुकोसा मध्य कौन था जठर ग्लांड था और जठर ग्लांड कौन था ना गैस्ट्रिक जूस प्रस्तुत करते मन रखिए। भेरी इंपोर्टेंट पॉइंट गुड़िक। नेक्स्ट, एचसीएल एसिड इज प्रेजेंट इन एसएल गोटे एसीड एटा क्यों था? ठीक आंसर ऑप्शन नंबर ए, गैस्ट्रिक जूस आम स्टोमाक जो गैस्ट्रिक जूसटा पाती से प्रस्तुत होता है से गैस्ट्रिक जूस मध्ये एचसीएल एसीड थाए। वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, हु हेल्प्स इन आवर बॉडी टू कीप सेफ्टी फूड फॉर डाइजेस्टिंग? आम शरीर जो खाद्यटा खाऊ ये खाद्यटा को किसी रखि था माने हजम प्रक्रिया समाप्त होगा पर्यंत। ठीक आंसर ऑप्शन नंबर ए, एचसीएल एसीड यार मुख्य कारण कौन ना एचसीएल एसीड आम शरीर आम जो खाद्य खाई था आम शरीर मध्य सुरक्षित रखि था माने आम शरीर मध्य खाद्य को पचवाक दिए ना कि एचसीएल एसीड आम शरीर मध्य खाद्य को पचवाक दिए ना यह सुरक्षित कर रखि था डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा पर्यंत मन रखे। भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एचसीएल एसिड? एचसीएल एसिड रो पीएच वैल्यू केते? ठीक आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1.8। एचसीएल एसिड रो पीएच वैल्यू 1.8 तेणु एचसीएल एसिडटा कौन होता है ना एसिटिक नेचर होता है मन रखिए। क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट फ्रॉम अ प्रोटीन? प्रोटीन रो सबटा सिंपलेस्ट अटे। ठीक आंसर ऑप्शन नंबर सी, पेप्टाइड। पेप्टाइड होची प्रोटीन रो सबटारु
सिंपलेस्ट फॉर्म आमे जो खाद्य खाऊ प्रोटीन थाए ये प्रोटीन रो सिंपलेस्ट फॉर्म को कह जाने पेप्टाइड को जाय। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच एंजाइम ब्रेक डाउन मिल्क प्रोटीन को के एंजाइम टा ठीक आंसर ऑप्शन नंबर ए रेनिन। रेनिन एंजाइम कौन करे ना मुख्य काम होला मिल्क रो प्रोटीन को ब्रेकडाउन कथा है हम जो मिल्क खाइ तो आकु कौन ना प्रोटीन ब्रेकडाउन के कथा ना रेनिन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रेनिन रेनिन के प्रकार अटंती ठीक आंसर ऑप्शन होसी बोथ ऑफ दिस। रेनिन को मुख्यतः दि भाग व्यक्त कराई छि गोटे ला कौन ना कैसिन आ गोटे ला लैक्टोज दुटा रेनिन की तले जो कैसिन कैसेटा कौन धला रंग देखा एवं लाटोसटा हलदिया देखा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच एंजाइम ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स इन आवर बॉडी आम शरीर में फैट को एंजाइम कथा ठीक आंसर ऑप्शन नंबर सी सॉरी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी लाइप्स एंजाइम कौन करे ना आम शरीर में फैट को ब्रेकडाउन करे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा बहुत थोड़े आम शरीर मजने एंजाइम को एंजाइमटा फैट को ब्रेकडाउन करे ना लाइफ्स नामक एंजाइम। धन्यवाद फ्रेंड्स एभली न्यू एजुकेशनल वीडियो पाइबा हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ। धन्यवाद।